मैंने कम से कम 17-18 बिजनेसेस किए हैं उस 20 साल के दौरान। खाना खाते समय एक बात बोली कि श्रीकांत जी, सिर्फ सीखते ही रहोगे या इसको एनकैश भी करोगे कभी? एंड समहाउ यू नो वो लाइन बड़ी क्लिक हुई मुझे। शायद लाइफ में ऐसी चीज को चुनना जिसको आप पसंद ही नहीं करते और उसे आपको आप हमेशा करना है, मुझे लगता है वो मेरे लिए रिस्की डिसीजन था। देखिए, वो लंच सबसे वैल्यूएबल लंच था मेरे लाइफ का। बोली कि देखिए, हम लोग सज्जन तो है, लेकिन एक सज्जन को समृद्ध भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सक्सेस का महामंत्रा में आज हमारे साथ में जुड़े हैं बेंगलोर से मिस्टर श्रीकांत तापड़िया। श्रीकांत तापड़िया ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इन्होंने CWM का कोर्स किया है, ये चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हैं, इसके अलावा इन्होंने CFGP भी किया है, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर है और पिछले 6 सालों से एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहे हैं और 6 सालों से इन्होंने इंश्योरेंस का भी बिजनेस शुरू किया है और हर साल ये MDRT करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर श्रीकांत जी से और उनकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जहां पर उन्होंने कोई डेयरिंग का काम किया हो, कोई बड़ी रिस्क ली हो, इसके बारे में जानते हैं और नो डाउट उनका ये एक्सपीरियंस हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्रीकांत जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग रंजीत जी, नमस्कार। नमस्कार 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 श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, आपके उस मूवमेंट को हम कैप्चर करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं जहां पर आपने कोई डेयरिंग ली हो। मैं जानना चाहता हूं, जब आपने वो डेयरिंग ली, वो डेयरिंग लेने से पहले लाइफ में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था और आपने डेयरिंग ली, यू नो, और वो डेयरिंग क्यों ली, यू नो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। या मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है रंजीत जी। आई मीन यू नो, मैं आज 25 साल हो गए मैं अपने करियर पाथ में हूँ और पिछले 20 साल मतलब करियर के जो पहले 20 साल थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि मैंने कम से कम 17-18 बिजनेसेस किए हैं उस 20 साल के दौरान। अच्छा। द बेस्ट पार्ट वाज, हर बिजनेस में मैंने सक्सेस देखी है उस रेंज की। प्रॉब्लम मेरे साथ ये होता था कि पैसे देख लिए, काम अच्छा है, अब उसमें सीखने को कुछ बचा नहीं, चलो कुछ दूसरा बिजनेस करते हैं और मैं मूव ऑन टू डिफरेंट बिजनेस। यही मेरी जर्नी रही थी पिछले 17-18 साल और आई वॉज एंजॉइंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। कभी मैं फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस किया, कभी फूड सप्लाई का बिजनेस किया, कभी ई कॉमर्स का सेलर बना, तो कभी टेलीकॉम में सिम सेलिंग किया, तो कभी कॉर्पोरेट सेलिंग भी किया मैंने। इवन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर वो जो टावर लगते हैं उनमें कुछ रेडियोज लगते हैं, उसका भी सर्वे और इंस्टॉलेशन का काम मैंने किया। बींग एन इंजीनियर आई कुड डू दैट। डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस किया, एडवर्टाइजिंग का बिजनेस किया, प्रमोशन का, मार्केटिंग का, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, बहुत बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट लाइफ। जैसे आपने पूछा कि क्या हुआ, तो देर वॉज एन इंसिडेंट वेयर मैं अपने फैमिली मतलब अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। दिस इज जुलाई 2018 का टाइम है, मैं भूल नहीं सकता वो मोमेंट। अपने रिश्तेदार के साथ खाना खा रहा था, वो मेरी सिस्टर के जेजी थे और उनके साथ जब मैं खाना खा रहा था वो मुझे बहुत पसंद करते थे, बट समहाउ ही वॉज नॉट हैप्पी फॉर सम रीजन कि मैं हर बार बिजनेस शिफ्ट करता हूँ, शायद ये उनका पॉइंट था। तो उन्होंने पूछा, कैसे चल रही है लाइफ, अब क्या नया कर रहे हो? एंड और ये प्रश्न मेरे को सबको ही पूछता था कि अब क्या नया कर रहे हो। शायद सरकैज़म में भी पूछते होंगे या आई डोंट नो, बट आई यूज्ड टू टेक इट वेरी लाइटली। मैं बोलता हाँ अब इस बार मैं ये कर रहा हूँ। तो उनको मैं बताया कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो उन्होंने खाना खाते समय एक बात बोली कि श्रीकांत जी, सिर्फ सीखते ही रहोगे या इसको इनकैश भी करोगे कभी? अच्छा। एंड समहाउ यू नो वो लाइन बड़ी क्लिक हुई मुझे कि बात में तो बहुत दम है कि मैं तो सिर्फ सीखते ही रहूंगा तो क्या मतलब है, इसको इनकैश भी तो करना है। एंड आई वॉज 40 बाय देन। अच्छा। वो एक जंगली कहावत भी है कि लाइफ बिगिंस एट 40, तो शायद वो कोइंसाइड हो गई थी मेरे साथ। आई केम बैक टू बैंगलोर एंड मैंने सोचने लगा कि करना क्या है। नाउ आई हैव टू डिसाइड वन थिंग कि अब कुछ एक ही काम करना है, वो हमेशा के लिए करना है। ओके, सो दैट वाज माय मोमेंट वेयर आई शिफ्टेड माय गियर बेसिकली। नहीं तो ये घटना कहाँ पे हुई थी, उस वक्त कहाँ थे आप? मैं था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में? हाँ जी। और ये सुनने के बाद फिर आप बैंगलोर आए? हाँ जी। तो आपने
ये डिसीजन लिया कि नहीं मुझे अब लाइफ में अभी ऐसा काम करना है जिसको मैं लंबे समय तक करता रहूं, तो इसमें क्या रिस्क क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या डेयरिंग पार्ट क्या था इसके अंदर, व्हाट वाज द डेयरिंग एक्चुअली? नहीं नहीं, मेरे जैसे आदमी जिसने 17-18 साल में, मतलब 20 साल में 17-18 बिजनेस बदले हैं, एक जगह टिकना सबसे बड़ा डेयरिंग काम था मेरे लिए। ओके, और वो काम, ऐसा कोई काम मुझे चुनना था जो मुझे हमेशा करना है। ओके ओके, क्योंकि मुझे हर इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती थी। बट समहाउ लकीली एक चीज मेरे साथ हुई थी लाइफ में अननोइंगली, कि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करीब, आज से बात करूं तो मैं करीब 17-18 साल पहले जुड़ गया था। अच्छा। आई स्टार्टेड एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड देन गॉट इनटू म्यूचुअल फंड बिजनेस। वो मैं करता था बट नॉट वेरी पैशनेटली, नॉट डेडिकेटेडली, एंड आई यूज टू एंजॉय दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, बट बिकॉज उसमें पैसा नहीं था तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था शायद। अच्छा। बट आई यूज टू लाइक इट। तो जब फाइनल करना है कि परमानेंट कोई एक बिजनेस करना है, तो आई थॉट कि चलो फाइनेंशियल इंडस्ट्री करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई लव इट। बट इमीडिएट क्वेश्चन आया कि कोरा म्यूचुअल फंड करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम अगर कुछ लोग इंडस्ट्री के लोग हैं समझ सकते हैं कि माई AUM इन 2018 वॉज ओनली 2 crore rupees। अच्छा। तो वो आप बैंगलोर में तो डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर सकते उसमें। I had to do something else along with mutual funds. तो फिर मेरे पास एक ही choice बचा था, वो था life insurance. अच्छा। और मैं इसीलिए इस moment को risky moment बोलता हूँ। एक तो वो एक कि भाई मुझे permanent कोई काम करना है, that itself was a challenge. और दूसरा life insurance बेचना पड़ेगा, क्योंकि वही थोड़ा बहुत you know survival का option दिख रहा था मुझे, अगर इस industry में रहना है मुझे टिके। अब प्रॉब्लम ये था कि लाइफ इंश्योरेंस, मतलब दैट इज वन प्रोडक्ट व्हिच आई नेवर लाइक्ड इन माय लाइफ। अच्छा। डेफिनेटली वो मेरा इग्नोरेंस था, वो मेरा लैक ऑफ नॉलेज था। उस समय जब मैं डिसीजन ले रहा था तब तो डेफिनेटली मैं उसे पसंद नहीं करता था। तो शायद लाइफ में ऐसी चीज को चुनना जिसको आप पसंद ही नहीं करते और उसे आपको अब हमेशा करना है, मुझे लगता है वो मेरे लिए रिस्की डिसीजन था। मीन्स आपको जब एक जगह पे स्टेबल होना था तो आपको ये चूज करना था कि जहां पर मैं स्टेबल हो जाऊं वहां से मेरे को एक अच्छी इनकम भी आनी चाहिए, और आपके सामने जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का काम आ गया कि भाई इसमें मुझे अच्छी इनकम आ सकती है, और आपने सोच लिया मुझे ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर ये भी था कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरे को पसंद ही नहीं है और मैं इसमें करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप उसके अंदर फेल हो जाते, आप ऐसी काम में जा रहे थे जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, और अगर आप उसमें फेल हो जाते, क्योंकि डेयरिंग तो तब हुई कि उसमें कुछ कुछ रिस्क है, तो व्हाट वाज द रिस्क? देखिए, इसके पहले मैंने कोई भी बिजनेस अगर बदला है तो यू नो एक अचीवमेंट के बाद बदला था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाइफ के इस स्टेज में आके आप फेल होके कोई दूसरे बिजनेस में एंटर कर रहे हो। तो जो चीज पसंद नहीं है, जिस चीज का कोई ज्ञान नहीं है आपको, मतलब जिसको आप पसंद ही नहीं करते हो, तो आप उसको बेचोगे कैसे? आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क इन माई हेड। हारने का डर, मतलब यू नो बिकेगा नहीं उसका डर नहीं था मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि मेहनत पे पूरा भरोसा था, मेहनत तो करूंगा ही, अगर कोई चीज सिलेक्ट करूंगा तो मेहनत करूंगा। डर कुछ और चीज का था कि इससे अगर मैं थक गया, साल डेढ़ साल बाद फिर कहीं और जाने का मन हुआ, would be very tricky for me. फिर लोग पूछेंगे कि आप नया क्या कर रहे हो, तो कुछ नया बताना पड़ेगा। Exactly. और अपने दोस्तों को, relatives को मैंने, जब final सब कुछ कर ही लिया था, तो मैंने सबको यही बोला कि भाई ये मेरा final है। जानबूझ के मैंने कम से कम 10 लोगों को खुद होके अपनी तरफ से बोला था कि ये मेरा final business है, ये मेरी final destiny है, ताकि मैं भटकूं नहीं। और लकीली भगवान ने साथ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज तो होती है कि जब किसी काम में हम डेयरिंग लेते हैं, जब कोई डेयरिंग करते हैं, तो उसमें रिस्क तो होता ही है जो आपने बताया, लेकिन आपको सबसे बड़ा फायदा क्या दिख रहा था जिसके वजह से आप इसमें आए? क्या मेरे को एक अच्छी इनकम आएगी, यही एक फायदा आपको दिख रहा था, या कुछ और भी आपके दिमाग में था? नहीं, जब अगर इसको अगले 20-25-30 साल तक करना है कोई चीज को, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री देखो जहां पे मतलब सेल्स की गारंटी हो, या फिर यू नो डिमांड की तो कम से कम गारंटी हो मार्केट में। और मुझे लगता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर परिवार की जरूरत है।
वो आज या कल कभी ना कभी तो लेंगे ही लेंगे, उनको लेना ही पड़ेगा, बस मुझसे ले यही आशा रहेगी। ओके, तो जब लॉन्ग टर्म करना है तो फिर कुछ ऐसा करो कि वो मल्टी जनरेशन भी पॉसिबिलिटी हो, ये मेरी थॉट थी उस समय। और मुझे लगा कि इंश्योरेंस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की ज़रूरत है और हर समय की ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो पैदा होंगे, मरेंगे, फिर कोई नया जनरेशन आएगा, तो ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ओके, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे लोगों की कैपेबिलिटी ग्रो होगी, तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेबिलिटी भी ग्रो होगी उनकी, तो आपको सेम क्लाइंट बार बार भी बिजनेस दे सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब कैलकुलेशन करके मैंने सोचा कि चलो एक ऐसी चीज करते हैं जो डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है, भले ही मुझे पसंद नहीं है, ओके, बट इट हैज इट्स ओन चार्म एंड प्योरिटी, दैट्स व्हेन यू नो चलो ये करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो श्रीकांत जी, उस वक्त तो आपने खाना खाते खाते ये डिसीजन ले लिया कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में आना है, और मैं इसमें टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आज कितने साल हो गए वो डिसीजन लेकर श्रीकांत जी? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, और 6 साल हो गए हैं, और 6 साल से आप लगातार ये काम कर रहे हैं। और अगर आज आप पीछे पलट के देखें श्रीकांत जी, आज आपको क्या दिखता है कि भाई मेरे को ये फायदा हो गया है? देखिए, वो लंच सबसे वैल्यूएबल लंच था मेरे लाइफ का। वो सब्जेक्ट निकलना उनका, वो शब्द निकलना, उन्होंने कितना सीरियसली बोला वो नहीं पता, बट लकीली मैंने काफी सीरियसली ले लिया था उस चीज को। वहां से पूरी यू नो जर्नी एकदम यू टर्न हो गई, एंड टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि वो डिसीजन मैंने उस दिन लिया। क्योंकि पिछले 6 साल में देखिए, मॉनिटरीली तो मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले भी हर बिजनेस में मैंने पैसे बनाए, तो उसका ज़्यादा सक्सेस तो मैं नहीं बताऊंगा, उस वो पैरामीटर को मैं सक्सेस नहीं मानूंगा। बट अगेन पिछले 5-6 साल में इस इंडस्ट्री से मैंने बहुत कमाया है, मतलब जितने मैंने पिछले 20 साल में, अपने पहले 20 साल में नहीं कमाए होंगे, उसे कई गुना ज़्यादा मैंने पिछले 5 साल में कमाया। सो मॉनिटरीली तो डेफिनेटली इट वॉज रिवॉर्डिंग डिसीजन, बट उससे ज़्यादा भी है बहुत कुछ, जो इनटैंजिबल बेनिफिट्स होते हैं कोई चीज़ में, जो मुझे पहले कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला था, वो ये है कि ब्लेसिंग्स। लास्ट वीक मैं अपने ऑफिस में पूरा, जो हम लोग ऑब्वियसली क्लेम्स में भी सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री में है तो सब कुछ करना है, तो मैं एक समरी बना रहा था अपने पिछले 5-6 साल में हमने कितने हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स को सेटल किया है, कितनों को हमने हेल्प किया है, एंड दैट इज मोर देन 152 पीपल। तो दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस, क्योंकि आज हमने उन 150 फैमिलीज ऐसी है जो शायद मेजोरिटी ऑफ देम सरप्राइजिंगली वो मेरे क्लाइंट्स भी नहीं है। उन्होंने कहीं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा होगा, उनको क्लेम मिला नहीं होगा, उन्हें पता नहीं करना क्या है, समहाउ आई गॉट इन टच विद देम और मैंने उनका क्लेम, बिकॉज इफ दे आर जेन्युइन ऑब्वियसली तभी क्लेम तो होगा, तो वो जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो भी फॉलोअप था, वो हमने किया, हमारी ऑफिस से करवाया, उनको क्लेम मिला। ठीक है, खुशी इस बात की है कि उनको क्लेम मिला, और दूसरी खुशी इस बात की है, जो प्राउड फील है मुझे, कि मैंने उसके बाद उस इंसिडेंट को लेके मैंने उनको कभी अपना क्लाइंट बनाने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, मतलब ना कोई फीस मैंने चार्ज की उन लोगों से। नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज किया किसी का भला हो जाए। और ये जो इनटैंजिबल बेनिफिट्स जो मिलते हैं ना, मुझे लगता है दे आर वेरी रिवार्डिंग, मतलब उसको आप प्राइस टैग से नहीं जोड़ सकते हो। बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जो बहुतों के काम आ सकती है, मेरा नॉलेज बहुतों को यूज होने वाला है। मे नॉट बी फॉर देयर प्लानिंग, बट हो सकता है कि कोई क्लेम अगर अटका होगा। लाइफ इंश्योरेंस में भी हमने एक फैमिली को हेल्प किया था जिनका क्लेम था 25 करोड़ रुपए। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, एंड आई एम प्राउड दैट आई कुड सर्व दैट क्लाइंट फैमिली। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी देती है, एंड ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मल्टी जनरेशन बिजनेस होगा हमारे परिवार का। बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, मैं अब जब आपकी बातों को सुन रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि कई बार हम लोग जो है अपने इमोशंस के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन आपने आपका ये जो डिसीजन है इसमें आप अपने इमोशंस के साथ नहीं रहे, आप प्रैक्टिकल आपने डिसीजन लिया कि अब वो वक्त आ गया है जब मुझे जो है एनकैशमेंट में जाना है। अपने इमोशंस के, इमोशंस तो थी आपकी कि नए नए बिजनेस करते रहना, कुछ सीखते रहना, ये आपका इमोशंस था। हाँ
लेकिन यहाँ पर आपने जो है प्रैक्टिकल एक जगह पर रुकने का डिसीजन लिया और एक ऐसी जगह पर जो कि शायद आपको इमोशनली कनेक्टेड नहीं थी। आई अग्री विथ यू। मैं एक और इंसिडेंट यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा रंजीत जी। एग्जैक्टली इन 2018 बाय द टाइम आई डिसाइडेड और सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई थी, वो दिसंबर 10th था जब मैंने अपने आईआईटी एग्जाम लिखी थी 2018 में, और उन 18 दिनों में मैंने एमडीआरटी भी किया था जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा यू नो अवार्ड माना जाता है, वो मैंने पहले ही 18 दिन में कर लिए थे। और 28 दिसंबर को मेरी एमडीआरटी हुई, 29th को राजस्थान में जयपुर में एक प्रोग्राम था, माहेश्वरी समाज का एक बड़ा प्रोग्राम था, जहाँ पे एक आदमी एक बात बोली थी स्टेज पे, बोले कि देखिए हम लोग सज्जन तो है लेकिन एक सज्जन को समृद्ध भी होना बहुत जरूरी है। और वो लाइन भी मुझे काफी अट्रैक्ट की थी कि यार सज्जन तो हम है, लगता है कि हम सज्जन हैं, लेकिन समृद्धि कहाँ है? अगर किसी को हेल्प भी करना चाहे तो हम उसके लिए पैसे चाहिए आपके पास। सो अगेन ये जो डिसीजन था कि एनकैशमेंट ऑफ नॉलेज वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि अब पैसा बनाना है ताकि समाज को और भी अलग एंगल से हम लोग सर्व कर सके, एंड देर आर मैनी वेज यू नो आई एम एबल टू डू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी स्टोरी निकल के आई है ये थोड़ी अलग है, ये थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर डेरिंग जो है वो अपने इमोशंस को छोड़कर प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे जाना है, और कई सारे लोग जो है अपने इमोशंस को छोड़ नहीं पाते हैं, और आपकी ये जो कामयाबी रही अपने इमोशंस को छोड़कर प्रैक्टिकलिटी को करना, और फिर जो है फिर आगे चल के वो खुद मेरा इमोशन बन गया। आज जो है मैंने इतने सारे लोगों का क्लेम सेटल किया है और अपने आप को स्टेबिलिटी दे दी है, तो अब ये मेरे साथ में जुड़ गया है, अब ये मेरे इमोशंस का हिस्सा बन गया है। बहुत ही आई मीन टू से मैंने इतने सारे लोगों से बात की लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग निकल के आई, इसका रिजल्ट थोड़ा अलग निकल के आया, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये बहुत सारे लोगों को टच करने वाला है कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीकांत जी आपके इस लाइफ के इस मूवमेंट को हमारे साथ में शेयर करने के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।